ले 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯੁਵਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 370-35 ਹਟਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਗ, ਕਦੇ ਮਿਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋਗ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, IIT, IIM, AIIMS, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣ ਤਾਈਂ ਜੰਮੂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 60-60 ਦਿਨੇ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। 70 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿਖੇਦਾ ਹੈ। ऐसे कई नौजवान आज काम करा रहे ना, आज अगर करने की जरूरत है तो एक सोच बदलने की जरूरत है, उन्हें की प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जो कि केवल सैकड़े के हिसाब कने हार्डली 100-150 इको स्टार्टअप होंगे है, आज 1 लाख लगभग लगभग दे आसपास इको अपना स्टार्टअप शुरू हो देना। भारतीय जनता पार्टी देशभर के अंदर अपने 9 सालों का जो है वो लेखा जोखा जनता के समक्ष रख रही है। जम्मू कश्मीर इकाई की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत कर चुकी है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच जा रही है। 9 साल जो बेमिसाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, और उसका असर जमीन पर कितना देखने को मिल रहा है ये तो आम जनता ही तय करेगी जब भी चुनाव यहाँ पर होंगे, किस तरीके से इन 9 सालों का जो रिजल्ट है वो उन्हें वोट के तब्दील होता भी है या नहीं होता है तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ इस समय BJYM के प्रेसिडेंट जो हैं अरुण प्रभात जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जब भी हमारी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर चर्चा रहती है तो ये अपना पक्ष रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा नेता हैं, युवाओं की आवाज़ भी उठाते हैं, जब जब भी युवा सड़कों पर उतरे ये वहाँ पहुँचते हैं। आज इनसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष के कुछ आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे साथ, इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। अरुण जी, सबसे पहले तो स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा। सब तो पहले तो ये जानगा कि जनसंपर्क अभियान चला रहे, तो 9 साल बेमिसाल आखा रहे हैं, कल साढ़े जूनियर मिनिस्टर इतने पुजे, उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या लगता है कि 9 साल च बदलाव क्यों है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि आज जम्मू की गल करिए अगर जम्मू खिते की, तो अज भी लोग जो परेशान, युवा की नौकरियां नहीं, पेपर हो नहीं रहे, तो उन्हें सामना सारा कुछ है, युवा सड़कें तो उसे गए, तो कि देखते हैं सारा कुछ? देखो, पहले तो अस अगर बड़े बड़े विषय के उपर अस दिख लचे कि माननीय मोदी जी की सरकार 2014 च जिसले बनी ही, उसले एक साइकोलॉजिकली एक राजनीति ते राजनेता की दिखने का जड़ा एक पक्ष हा, वो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि राजनीति बड़ा दलदल है, जड़ा भी इहदे च जांदा वो मैला हो जांदा है, वो लोकें की रहनुमाई नहीं करता, भ्रष्टाचार करता सिर्फ। परंतु 2014 के बाद जिस तरीके कने एक साइकोलॉजिकल उस मानसिकता की बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, अपने आप दा तिल तिल अपना क्षण क्षण लाइए इस देश की समृद्धि दे ऊपर चलाने दा एक नेतृत्व देने दा काम किया, उदा बदलाव पिछले 9 सालों का अस सारे दिख ही सकने हैं कि उन्हें लोकतंत्र की जीवंत लोकतंत्र बनाने ताई हर साल अपना जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड है लोगों के बीच रखिए, तो उस कार्यकर्ता उस लोकतंत्र की मजबूती देने ताई एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी ते इस देश दे ताई जिहड़ा काम करने ताई जिहड़ा सुचारू रूप उपर काम करता है, उदा काम है कि उस सारे लेखे जोखे की लोकें तक कर लिए जाना, कनेक्ट करना, ते लोकें की दसना कि किस तरीके कने बदलाव आ रहा है, किस तरीके कने केड़ी केड़ी लाभकारी योजनाएं कने किन किन खितें दे लोकें की लाभ मिला रहा है। ते असे पिछले 9 वर्षे दिखिया कि बड़े ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्रों के विच जिथे अज तक कदें कोहे ने सुध नहीं लैती, इस अंत्योदय का विचार जिहड़ा साढ़े महामानव है जी या जिहड़े साढ़े प्रेरणा स्रोत न आइडलीक न स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्हें उन्हें अंत्योदय का जिहड़ा विचार दिता, उन्हें उस विचार के उपर चलते हुए माननीय मोदी जी ने हर योजना का अंतिम व्यक्ति के उपर खड़ोते का जिहड़ा व्यक्ति है, हर अंतिम छोर उपर खड़ोते का जिहड़ा व्यक्ति है उसकी उदा लाभ मिले, उदा अज अंजाम यों आ रहा है कि अज पिछे एक डेटा आया कि 27% जिहड़े लोग ने वो BPL तो मिडल क्लास बनिए दे, ते एक बड़े लेवल उपर बदलाव आ रहा है, परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं अजे भी हैं, पर उदे उपर भी काम आ रहा है। बट 9 साल दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर दे परस्पेक्टिव उपर देखो, साड़ी सांस्कृतिक धरोहर दे पक्ष दे उपर देखो, जम्मू कश्मीर
एक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य सिद्धांतिक विषय जोड़ा है वो 370 की ढाई है। इतने के जोड़े मानवाधिकारें का जोड़ा अनन होया पिछले 70 बरें च वो वेस्ट पाक रिफ्यूजी है, बाल्मीकि समाज के लोग, दलित वंचित शोषित पीड़ित समाज के जोड़े लोग है, भावें वो गुजर बकरवाल लोग है जिन्हें कि हमेशा गुजर बकरवाल या उन्हें उस तरीके कने रखने ताई उन्हें अज तक जी सरकार रही उन्हें विवश किया उन्हेंगी, या जोड़ा आम व्यक्ति आम जनमानस है जुदी अज तक कोहे ने सुध नहीं लैती 370 टाई है उदी सुध लेने का काम किया, उन्हेंगी भी बराबरी का नागरिक बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। उदे कन्ने कन्ने गे जिथे कदे जम्मू कश्मीर ने इन्ना ज़्यादा विकास होग, कदे मिगी नहीं लगता कि कदे कोहे ने सोचता भी होग कि आज जम्मू पूरे देश च केवल ऐसा एक क्षेत्र है जिदे च तीन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन IIT IIM एम्स इन्ने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जिथे एक यूनिवर्सिटी लेने ताई जम्मू की संघर्ष करना पौंदा है, 60-60 दिनें दे आंदोलन करने पौंदे है, उथे अज बगैर कोई आंदोलन दे बगैर कोई नारे या बगैर कोई एजुटेशंस दे आज IIT IIM एम्स एडे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मिले न। आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखो तो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की गल करो, ट्रामा सेंटर्स की गल करो, या GMCs जेडे 6 नवे GMC बने न कठुआ अपना डोडा ते रजौरी जेडे बड़े GMC बने न उहां के कश्मीर के खिते च भी बने न। एम्स दो मिले न, एक जम्मू मिले है, एक कश्मीर जेड़ा अवंतीपुरा बनारद है, ऐसे बड़े क्षेत्र के उपर हर क्षेत्र के उपर काम आ रहा। उत्थे गए टनल्स भावें जुजिला टनल की गल करो, भावें वह हाईएसट ब्रिज कौड़ी ब्रिज की गल करो, रेलवे जिदा जिदे उपर काम नहीं कदे शुरू हो पाया इहदी फिजिबिलिटी दिखते हुए अज इन पूरे वर्ल्ड का सब तो हाईएसट रेलवे ब्रिज अज इत्थे बनारद है। तो ये सारिया चीज़ा जिहड़ी जम्मू कश्मीर की अज विश्व दे स्तर दे उपर एक मानचित्र दे उपर लियाने दा काम करा दे ने। विपक्ष नाराज है, विपक्ष आखा रहा कि भाजपा जिहड़ी है वो सिर्फ उनकी करनी और कथनी च बड़ा फर्क है, जदों उनकी सरकार ही इत्थे सरकार च भी रहे इन्हें आपू सरकार नाल पिछा कदम चुकिया लोगों की लभ है आखिर डिवेलपमेंट की बड़ी चंगी गल, तुसीं रोड बना रहे हो टनल बना रहे हो बड़ी चंगी गल है, लेकिन लोगों की रोज़गार जो सरकारी रोज़गार वो नहीं मिला। प्राइवेटाइजेशन तुम आखिर जाओ प्राइवेटाइजेशन तुम आखिर इन्ना पैसा आना इतना वो कुछ लग्या इस तरह कर वो पूछा ये सवाल होंगे है। उन्हें यह भी आख्या उन्हें आख्या है कि जिहड़ा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है उन्हें पूरे देश के एमरजेंसी लाई डिकलेयर एमरजेंसी ये बयान दिता है और एक अध्यक्ष जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर उन्हें बयान दिता है, इसे कियां देखदे हो? देखो एक तो जेडे ऑपोजिशन है उनका काम है, 70 बरें दा रूल भी लोकें दिखे दा है, पर मैं तुहानू एक सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की गल करा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 आई उदा लगभग 5334 लोकें उदे उपर आवेदन किते, लगभग 66,000 करोड़ एंटीसिपेटेड है कि 66,000 करोड़ दी इन्वेस्टमेंट आग उदी अगर अस दिखचे लगभग 1854 लोकें पिछले फिनैशियल ईयर च इस ए आंकड़ा है जिहड़ा सरकार ने हुन दिता कल परसों 1854 लोकें इहदे ताईं आवेदन पाए है ते अपना जिन्हें की मंजूर हुई जमीन उहदे उपर लगभग 900 लोकें प्रीमियम भरना काम शुरू करी ओड़िया ते अपना काम शुरू करी ओड़िया, लगभग 10,000 बंदे की इंप्लॉयमेंट भी दिता। मैं जरूर तुहानू आगा स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंडअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्किल इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम करने राष्ट्रीय जिहड़ी शिक्षा नीति दे विच बदलाव लियाने का काम हो, या अटल इनोवेशन मिशन जिहड़ा है अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम करने, या CSIR IIM के माध्यम करने अनेक अनेक इंस्टीट्यूशनस काम करा देन, रोज़गार देने का काम करा देन। स्टार्टअप के तहत मुद्रा लोन भावें हो या KVIB KVIC दे DIC जिदे फैसिलिटेट फैसिलिटेट करती है उदे च लोन लईए, काफ़ी नौजवान ने इत्थे काम किया। मैं ऐसे कई नौजवानें की जानना कि जिहड़े नौजवान अपने अपने क्षेत्र कारपोरेट सैक्टर उपर काम करते हैं ते काम करते हुए उन्हें नौकरियां छड़िए इत्थे सरकार दी नीतियों का लाभ लेता ते अज बड़े अच्छे स्तर दे उपर काम करा रहे ने। शार्क टैंक दे उपर भी तो सारे जानते हो बड़ा अच्छा एक सीरियल है जिदे च इन्वेस्टमेंट मिलती है एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले की, उदे उपर भी जम्मू दे नौजवान गए उन्हें भी इन्वेस्टमेंट मिली। ऐसे कई नौजवान अज काम करा रहे ने, अज
अगर करने की जरूरत है तो एक सोच बदलने की जरूरत है, उन्हें की प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनके काम की सराहने की जरूरत है, तो उन्हें की आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक काम इकोसिस्टम डेवलप करिए, साड़ी देश की सरकार करार दी है, तो देखो जिस तरीके कन्ने स्टार्टअप इकोसिस्टम दे विच आज तीसरे बड़े लेवल का इकोसिस्टम हिंदुस्तान का इकोसिस्टम बनी है, लख कोला ज़्यादा स्टार्टअप शुरू होए दे 2014 के बाद च, जिथे केवल सैकड़े के हिसाब कने हार्डली 100-150 इको स्टार्टअप होंगे है, अज 1,00,000 लगभग लगभग दे आस पास इको अपना स्टार्टअप शुरू होइए देना, उत्थे के 125 कोला ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनिए देना। सरकारी नौकरियां किनियां आती हैं पिछले 2019 के बाद गल करिए तो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा जड़ा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तुम आंकड़ा देते बड़ी चंगी गल है तुम दे रहे हो, लेकिन सरकारी आंकड़ा भी रखो ना कि 35A 370 टुटने के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चों की कितनी नौकरियां थी, सिर्फ क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हुई है, उसके भी बड़े सारे एलिगेशन लगे, उसके बाद ही उन्हें दूसरे फेज ईयर कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस फाइनेंशियल अपना FAA की गल करिए, उसके बाद अपना उस तो पहले PAA की गल करिए, तो यह अजे भी जरा असमंजस का दौर चला करता, लोग जो चाहते हैं बच्चे चाहते हैं कि वर्दी पाइए अपने जम्मू कश्मीर की सेवा करिए, जम्मू पुलिस से सर्व करिए, उन्हें नौकरी तो लभा नहीं करती, उम्र निकली गई, एक साल पहले वेस्ट होगी, एक साल हूँ वेस्ट हो, कोर्ट केस चला रहा है, तो कदों नौकरियां लभनी, सरकारी नौकरियां कदों? देखो मैं इस पक्ष के उपर बिल्कुल नौजवानों के कन्ने हाँ कि नौकरियां मिलनिया चाहिए, परंतु लिटिगेशन या वो सारी चीज़ें CBI इंक्वायरी के अंतर्गत जिहड़ी कार्रवाई हुई, क्योंकि इत्थे पहली बार इस चीज़ की भी दिखने को मिलिया कि सरकारी, क्योंकि तांदलियां ते हर बारी एलीगेशन लगते हैं, परंतु सरकार ने आपे के CBI इंक्वायरी बिठाई, बिकॉज उसी अपना पास किया CBI की कि वो इदे उपर जांच करन, ते जांच दे बिच काफ़ी लोग संलिप्त पाए गए, उनके उपर भी कार्रवाई चला रही, उदे करने करने कुछ लिटिगेशन के माध्यम करने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टॉल होए दा है, ते मैं जरूर ऐसे समय समय उपर LG प्रशासन के सामने भी ये विषय रखिया कि इस चीज़ की जल्द कोला जल्द शुरू किया जा, जिथे भी प्रॉब्लम्स इरप्ट हुई दियां ना उन प्रॉब्लम्स की सॉल्व करते हुए, तो मिगी जरूर मैं आश्वस्त हाँ कि आने वाले समय च बड़ी जल्दी गे नौकरियां मिलनियां ने, जिहड़ी भी लॉन्ग पेंडिंग जिहड़ी SSB दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुके दे ना, वो सारे फिर ये रीइनिशिएट होने ना। एक आखिरी सवाल तुम्हें मैं पूछना है कि चुनाव लगता है कि इस हिसाब कन्ने इस माहौल बना रहा है कि चुनाव हो सकते जम्मू कश्मीर च, क्योंकि G20 बैठक हुई थे उस तो पहले भी नॉर्मलसी की गल की, आतंकवाद जो खात्मे उपर है, DGP दिलबाग सिंह ने बड़े बड़े बयान दिए, अमित शाह जी की विजिट 2 बारी हुई, जो कि 3 बारी थे, हालांकि जो बुखलाहट है वो साफ तौर नज़र आ रही है आतंकवादी अजे भी, लेकिन अगर चुनाव होंगे ना जम्मू कश्मीर में इस वेले अगर चुनाव अनाउंस हो जाए तो उसे लगता है कि भाजपा अपना वर्चस्व जो कायम रखी पाक जम्मू कश्मीर, क्योंकि विपक्ष कर्नाटका च इलैक्शन हुई उत्थे भाजपा की जी हार का सामना करना पे, आने वाले समय से कुछ होर राज्यों इलैक्शन होने वाली ने, हिमाचल से तुम्हें हार दिखनी पी, तो लगता तुमने क्योंकि इंटरनल फाइट जी भी दिखने मिली कई राज्यों के भीतों की BJP आपसी खलल भी दिखने लगी है, तो हूँ अगर जम्मू कश्मीर चुनाव हो, क्योंकि बाहरों बड़े लोग इतना आए हैं, तो यह विपक्ष भी आखा था कि आने वाले समय से असें दूरबीय दिखना है, तो लड़ाई नहीं लगनी, टिकटा बढ़ोनिया नहीं है, तो लोग छड़ी वापस अपनी अपनी पार्टियां आ जाने, तो कितनी देखते हो? देखो ऐसी गल है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू ते कश्मीर दे राष्ट्रवादी समाज की अपनी पार्टी है, राष्ट्रवादी जिसले भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नामुमकिन हुंदा हा उसले भी जिहड़ा हार्डकोर जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी का वोटर हा उसी पता हा कि साड़ा कैंडिडेट जितना नहीं है, बट उसके बावजूद भी उसका वोट BJP के लिए थोंदा हा, भारतीय जनता पार्टी कन्ने लोगों के अपने भाव जुड़े दे ना, ते कदे नाराजगियां भी रोंदियां ना, जिहड़े लोगों की साड़े कन्ने नाराजगियां ना उसके उपर भी कम जरूर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करारदा भी है, तो आने वाले समय उपर करना भी है, तो भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा वोटर है उन भारतीय जनता पार्टी की वोट भी करना, सपोर्ट भी करना, ये मेरा जरूर विश्वास है, तो वो दिखारदा भी है किस तरीके कन्ने काम होआरदा, परंतु जिसले अपने लोगों को लागे नाराजगी भी लोगों की अपने लोगों को लागे रोंदी है, अपनी पार्टी कन्ने भी रोंदी है, पर तुस एक बारी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वोटर कन्ने तुस उदे भाव जान गए हो, तो अनौपचारिक गलबात भी कर गए हो, नाराजगी भी तुंदे कन्ने करग, परंतु वोट भी तुम तुहानू देना, इस चीज़ की लाइटली नहीं लैते हुए लेंदे हुए इस चीज़ की अस सर मत्थे दे उपर रखने हैं और इस भाव की बड़ी कदर करने हैं, क्योंकि अस भी एक सामान्य कार्यकर्ता को शुरुआत करिए, अज भारतीय जनता पार्टी के बड़े शुक्रगुजार भी हाँ तो धन्यवादी भी हाँ कि उन्हें इन्ना ज़्यादा काम करने का मौका भी दिता, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया,
तो ये केवल और केवल अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करी सकता है। उदा जीता जागता उदाहरण जड़ा है वह साढ़े प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष ने रविंदर रैना जी ने कि आम घरें को निकलिए उन्हें विधायक भी बने लोगों का नेतृत्व भी किया अज पार्टी की त्री बारी लगातार पार्टी का नेतृत्व करार देना। इस तरीके कने आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करता है काम करते करते वह बदता भी है पार्टी उसी मौका भी दिंदी है तो जिसले तक करो लोगों कने जुड़ेदार रहा पार्टी मौका दिंदी है जिसले वो लोगों कने टुटी जाता लोगों के भावें की फॉर ग्रांटिड लेना शुरू करी ओड़ता तो ऑटोमैटिकली पार्टी भी उसी छड्डी ओड़दी है क्योंकि पार्टी आम व्यक्ति की पार्टी है जम्मू कश्मीर के आम राष्ट्रवादी समाज की पार्टी है ये लोगों के भावें कने लोगों के जज्बातें कने धोखा करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी कांग्रेस के आंगर या बाकी राजनीतिक दलों के आंगर पाकिस्तान की बोली बोलने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी तिरंगे झंडे ताई काम करने वाली पार्टी है भारत माता की जय आखने वाली पार्टी है तो भारत माता के हर पुत्र पुत्री का विकास हो हर व्यक्ति तक लाभ पहुँचे पुजे उसे ताइया काम करने वाली पार्टी है। इन्नी गे गल आखते हुए मैं हर व्यक्ति दा नमस्कार करिए हथ जोड़िए अभिनंदन भी करना कि तुसें अज तक बड़ा प्यार दिता भारतीय जनता पार्टी की आगे भी इसी तरीके कने बरकरार रखियो आने वाले समय उपर और अच्छे तरीके कने कम करगे मेहनत करगे और तुंदी एस्पिरेशंस दे उपर फुलफिल करने की उनके उपर खरा उतरने ताई पूर्ण प्रयास करगे। चलिए हमारे साथ तरुण प्रभात जी थे जिसकी बातचीत हम कर रहे थे तो कुछ विषय थे इस समय उन पर हमने चर्चा किया क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी कैंपेन को छेड़े हुए है 9 साल का ब्यौरा भी आप समय के समक्ष रख रही है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो जनसंपर्क अभियान जो है उसको लेकर पहुंच रही है आप आज तक जो है अपनी बात रख रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तीव्र गति दिख रही है ग्राउंड के ऊपर ये काम करते नजर आ रहे हैं लग रहा है कि शायद कोई सिग्नल भी ऊपर से है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष के अंदर जो कश्मीर बेस्ड जो लीडर्स हैं उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा है एक का जवाब यह आया है कि हम चुनाव किसी से मांगेंगे नहीं वो हमारा हक है संवैधानिक हक है हमें मिलना चाहिए। दूसरी तरफ से यह कहा है मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने कि जब तक 335 से बहाल नहीं किया जाएगा तो चुनाव लड़ने के तो पक्ष में ही नहीं है हम। तो आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है चुनाव जब होंगे वो तब होंगे लेकिन फिलहाल जो एक रास्ता है वो तैयार किया जा रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। आज की बातचीत आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा कोई सवाल छूट गया हो तो उसे भी लिखिए अगली बार जब मुलाकात होगी जरूर पूछेंगे। दोबारा के साथ शुरू मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।